हे गाइस एंड वेलकम बैक टू योर चैनल मूवी। आज हम बात करेंगे मूवी द रेड शूज़ के बारे में, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। हाल ही में हमें बहुत सारे न्यू फैमिली मेम्बर्स मिले हैं, तो मैं आपको दिल से थैंक यू करना चाहता हूँ फॉर चूजिंग माई चैनल। तो बिना किसी देरी के मूवी स्टार्ट करते हैं। फिल्म की शुरुआत में हम एक लड़की को रेलवे स्टेशन पर अपने दोस्त का इंतज़ार करते देख पाते हैं, और तभी उसे वहाँ पर एक सुंदर पिंक पैर की शू दिखती है। वो शू उसे बहुत ही पसंद आती है और उन्हें पहन लेती है। उसकी दोस्त जब वहाँ पर आ पहुँचती है, इन दोनों में पिंक शू को लेकर बहस हो जाती है। उसकी दोस्त आखिर में शूज़ को छीन कर खुद पहन लेती है और वहाँ से चली जाती है। रास्ते में उसे एहसास होता है जैसे कि कोई उसका पीछा कर रहा है। इससे पहले कि उसे कुछ समझ आए, एक एंटिटी उसकी ओर बढ़ती है और लड़की ज़मीन पर गिर जाती है। देखने पर उसके दोनों पैर कट चुके थे और वो लड़की दर्द से चीख पड़ती है। अब सीन एक फैमिली के और बढ़ती है, जिसमें हम हस्बैंड सैम, पत्नी लिली और उनकी छोटी बेटी सोनी को देखते हैं। ब्रेकफास्ट के बाद लिली अपनी बेटी सोनी को स्कूल की बस में बैठा अपने पति सैम के साथ कार में काम पर निकल पड़ती है। हमें यहाँ पर पता चलता है कि सैम को उसकी पत्नी लिली कुछ खास पसंद नहीं थी। सैम अपनी पत्नी लिली से कहता है कि उसे उनकी बेटी पर ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि वो अपनी बेटी को एक बहुत बड़ा डांसर बनाना चाहता था। लिली दूसरे दिन सोनी का पीछा करती है और इसी दौरान उसका एक छोटा सा एक्सीडेंट हो जाता है, जिसमें वो सोनी का पीछा नहीं कर पाती। वो अपनी बेटी को बहुत ढूंढती है मगर उसे कहीं पर भी नहीं मिलती। थककर जब वो अपने घर वापस आ जाती है, वो देखती है कि उसका पति बिस्तर पर किसी दूसरी औरत के साथ रहता है। ये देखकर उसे बहुत बड़ा शौक लगता है। सोनी भी इसी दौरान घर पहुंच जाती है और लिली इस हादसे के बाद अपनी बेटी सोनी को लेकर घर छोड़ देती है और एक नए घर में शिफ्ट हो जाती है। नए घर की हालत काफ़ी ख़राब थी, इसलिए लिली उसे एक मेकओवर दे रही होती है। इसी दौरान घर की बल्ब फट जाती है और लिली की आंख में चोट लग जाती है, जिसकी वजह से वो अपने डॉक्टर दोस्त किम के पास जाती है। लिली खुद भी एक डॉक्टर है और सैम से अलग होने के बाद वो मेडिसिन प्रैक्टिस करने के लिए अपना खुद का क्लिनिक बनवा रही थी। घर वापस लौटते वक्त लिली को सबवे पर वही पिंक शूज़ दिखते हैं, जिसे देख कर वो भी उसकी ओर अट्रैक्ट हो जाती है और वो उन्हें लेकर अपने साथ घर ले जाती है। घर में वो जूते ट्राई कर रही थी एंड हमें यहाँ पर कुछ विजन दिखते हैं ऑफ ए डांसर, जो कि इन शूज़ को पहनकर डांस कर रही थी और दूर से उसे एक दूसरी डांसर जलन की भावना से देख रही थी। अब सोनी भी वहाँ पर आ जाती है और अपने मदर लिली से उन जूतों को ट्राई करने के लिए मांगती है, लेकिन लिली सोनी को धक्का दे देती है, जो कि काफ़ी अजीब था, क्योंकि कोई माँ एक जूते के लिए अपनी बेटी के साथ ऐसा कैसे कर सकती थी। दूसरे दिन लिली जो नामक के एक लड़के से मिलती है, जो उस क्लिनिक का कंस्ट्रक्शन का काम संभाल रही थी, एंड हमको ये पता चलता है कि इन दोनों में एक दूसरे के लिए फीलिंग्स आ रही थी। इसी दौरान सोनी घर में अकेले रहती है और उन पिंक शू को पहनकर मिरर के सामने खुश हो रही थी। नोटिस करने वाली बात ये थी कि शूज़ देखते ही देखते सोनी के छोटे पैरों में एग्जैक्टली फिट बैठ जाती है। रात में लिली जो को अपने घर पर डिनर के लिए बुलाती है और डिनर के दौरान सोनी अपनी माँ से नाराज़ हो जाती है कि उसने डैडी को क्यों छोड़ दिया, वो आज उनसे मिलने भी आए थे। ये सुनकर लिली बहुत ही गुस्सा हो जाती है। जो के पूछने पर लिली उससे झूठ कह देती है कि उसका उसके पति से डिवोर्स हो चुका था। डिनर के बाद जो की नज़र भी उन पिंक शूज़ की ओर पड़ती है और उसे अट्रैक्ट होने लगता है, जैसे कि उन जूतों में कुछ तो खास बात थी। वक्त ऐसे ही बीत जाता है और अब लिली की हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब होने लगती है, लाइक एज इफ सी वॉज पोजेस्ड। उसे अपने सपनों में एक डेड कपल दिखाई देती है, लेकिन हद तो तब हो जाती है जब उसे उसकी बेटी सोनी के पैर कट जाने के सपने आने लगते हैं। वो इससे बहुत डर जाती है। एक दिन लिली की दोस्त डॉक्टर किम उसके घर पर आती हैं और बातों के दौरान वो भी इन पिंक शूज़ को देख लेती है और लिली से उन्हें मांगने लगती है। लिली उससे साफ साफ मना कर देती है, लेकिन किम जूतों को चुपके से पहनकर उसके घर से निकल जाती है। रास्ते में उसे किसी एंटिटी का एहसास होता है और वह जब एक बुटीक के पास पहुंचती है, उसे ग्लास के अंदर से सोनी दिखाई देती है। वो बहुत डर जाती है, लेकिन अचानक से उसे कोई अंदर खींच लेता है और कांच का एक बहुत बड़ा टुकड़ा उसके पैरों पर गिर जाता है, जिससे उसके दोनों पैर कट जाते हैं और उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। पुलिस इस केस की इन्वेस्टिगेशन में लग जाती है और लिली को पूछताछ के लिए बुलाती है। ध्यान देने वाली बात ये थी कि वो पिंक शूज़ मर्डर साइट पर कहीं पर भी नहीं मिलते, बल्कि वो तो अपने आप ही लिली के घर पर वापस पहुंच जाते हैं। इन्वेस्टिगेशन से लिली को पता चलता है कि 60 सालों से बिल्कुल इसी तरह की और भी ढेर सारी मौतें हुई थी, जिसके बाद लिली अब और सच्चाई को अनदेखा नहीं कर पाती। घर पर उसे वो पिंक शू दिखते हैं, जिसे वो जल्दी से घर के बाहर फेंक देती है, लेकिन कुछ देर बाद वो अपनी बेटी सोनी को उन्हीं जूतों के साथ बिस्तर पर खेलते देखती है एंड बहुत ही नाराज़ हो जाती है। इससे पहले कि वो सोनी को डांटे, सोनी के पैरों से ढेर सारा खून बहने लगता है और ये दोनों ही बेहोश हो जाते हैं। होश आने पर वो खुद को हॉस्पिटल में पाती है और उसके हाथों में वहीं पर पिंक शूज़ रहते हैं।
जो उसे टेरेस पर ले जाता है और उसे एक फ़ोटो देता है जिसमें एक लड़की उन पिंक शूज़ के साथ खड़ी थी और ये फ़ोटो 60 साल पुराना था। अब लिली इन जूतों के पीछे के राज को जानना चाहती थी ताकि उसे इस कर्ज से आज़ादी मिल सके। इसी तलाश में अपनी बिल्डिंग के उसी बूढ़ी औरत के पास जा पहुँचती है जो उसे हमेशा देख कर डर जाया करती थी। हमेशा की तरह इस बार भी ओल्ड लेडी उससे घबरा जाती है, लेकिन लिली के काफ़ी रिक्वेस्ट करने के बाद उनकी मदद करने के लिए राज़ी हो जाती है एंड उनसे एक स्टोरी कहती है। 60 साल पहले ये ओल्ड लेडी एक ओकी नामक के डांसर के लिए काम किया करती थी। उसके मास्टर ओकी गायको नामक के एक दूसरे डांसर से काफ़ी जलती थी। हद तो तब हो जाती है जब गायको का बॉयफ्रेंड उसे एक सुंदर पिंक शू देता है। ओकी इसके बाद गायको से और भी जलने लगती है और उसे वो पिंक शूज किसी भी हालत में चाहिए था। एक दिन गायको थिएटर में उसके बॉयफ्रेंड के साथ ओकी के साथ इंटीमेट मोमेंट में देख लेती है। उसका दिल टूट जाता है। उसका बॉयफ्रेंड उसके पीछे उसे मनाने के लिए भागता है, जिसे देखकर ओकी और भी ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और इसी गुस्से और जलन में वो गायको को मार डालती है। बाद में वो सबूत मिटाने के लिए जंगल के बीच बॉडी को दफना देती है, मगर उससे पहले वो गायको के दोनों ही पैरों को जूतों के साथ काट देती है। दूर से ये सब ओकी के सरमेंट यानी कि ओल्ड लेडी ने देख लिया था और ओल्ड लेडी का कहना था कि बाद में ओकी और गायको के बॉयफ्रेंड ने शादी करने की कोशिश की थी, लेकिन गायको के आत्मा ने उन दोनों को ही मार डाला था। वो लिली को वार्न करती है कि गायको की आत्मा हर उस शख्स को मार डालेगी जो इन पिंक शूज़ को पहनेगा, इसलिए बेहतर यही रहेगा कि उन जूतों को वापस लौटा दे। लिली जंगल के बीच में गायको की लाश को बाहर निकालती है और उसकी एक प्रॉपर सेरेमनी देती है, जिसके साथ ही वो पिंक शूज़ को लौटा देती है। ब्यूरियल के बाद लिली को लगा कि कर्ज अब हट चुका था क्योंकि उसने आखिर में जूतों को लौटा दिया। कुछ दिनों तक सब कुछ ठीक चलता है, लेकिन लिली जब एक दिन जो के पास जाती है वो उससे बात करने से इनकार कर देता है, क्योंकि सोनी से उसे पता चला था कि वो डिवोर्स नहीं थी बल्कि उसने तो खुद ही अपने पति को मार डाला था। ये सुनकर लिली गुस्से से पागल हो जाती है और हम देखते हैं कि उसने अपने बॉयफ्रेंड जो को मार डाला। गुस्से में अपनी बेटी सोनी के पास जाती है, जहाँ पर सोनी अपनी मदर से बचते हुए उसी सबवे की ओर भागने लगती है। लिली अपने बेटी को मारने ही वाली थी कि उसे एहसास होता है कि वह ऐसा नहीं कर सकती। ये सब वो खुद नहीं बल्कि गायको की आत्माएं उससे करवा रही थी। और तभी सोनी के हाथों में हम उन पिंक शूज़ को देख पाते हैं। लिली गायको की आत्मा से बात करती है कि मैंने तो तुम्हारी शूज़ तुम्हें लौटा दी, अब तुम हमारे पीछे क्यों पड़े हो। यहाँ पर गायको की आत्मा आती है और लिली से एक सच्चाई बताती है कि लिली खुद ही ओकी की रीइंकार्नेशन थी, यानी कि ओकी का पुनर्जन्म लिली खुद थी। और ये सारी मौतें गायको की आत्मा नहीं बल्कि लिली खुद कर रही थी। एंड स्क्रीन इसी के साथ ब्लैंक हो जाती है, जिसमें हम लिली के चीखों को सुन पाते हैं एंड मूवी इसी के साथ एंड हो जाती है। आखिर में हम एक ग्लिम्स देखते हैं सोनी की, जिसके पास अब भी वो पिंक शूज थे एंड वो अब सोनी नहीं बिल्कुल पूरी तरह से गायको में कन्वर्ट हो चुकी थी। मूवी की टाइटल थी द रेड शूज, बट जूते तो पिंक थे। अगर आपको पता है इसका राज तो कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अगर आपको मेरा ये मेहनत ज़रा सा भी पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें। अगर आपको वीडियो पसंद नहीं आया तो वीडियो को डिसलाइक करें और मुझे बताएं कि क्या चेंजेस करनी चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब